हालांकि शुरुआत है दो दिन की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा उदयपुर जो डिक्लेरेशन है उसका अमल करना है, उसके दिए हुए कार्यक्रम हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जिले वाइज कार्यक्रम है। कल काफी डिटेल में दो दिन की अगली कार्यशाला होगी जिसमें राज्य के सभी सम्माननीय हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सम्माननीय विधायक और सम्माननीय नेतागण उसमें शामिल होंगे और आने वाले तीन महीनों में जो कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर से जो दिए गए हैं उन सभी कार्यक्रमों के तैयारी हेतु और उन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की ताकि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर सके। सर मतलब मान लिया राज्यसभा को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई? राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास में संख्या नहीं है, कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट इसमें नहीं उतारा है। जेएमएम का कैंडिडेट है जिसको मेरे ख्याल से उन्होंने आज फाइल नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। कोई भी विधायक ने ना किसी प्रकार की नाराजगी व्यक्त की, संगठन संबंधित और उनके हर एक के विधायक क्षेत्रों की बात इसमें की गई, मेंबरशिप ड्राइव करें बात की गई, अन्य विषयों पर जो भी बात की गई राज्यसभा में उन्होंने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों का मैंने नोट किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।